सगमा झारखंड विकास मोर्चा के तत्वाधान में बुधवार को सगमा प्रखंड मुख्यालय के निकट विभिन्न जलवंत समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री झाविमो उपाध्यक्ष रामचंद्र केसरी ने कहा कि साथियों, राज्य सरकार द्वारा झारखंड प्रदेश में 11 लाख बीपीएल समाप्त कर दिया, 11 लाख बीपीएल समाप्त कर दिया और 2,71,000 वृद्धा पेंशन समाप्त कर दिया। गरीबों का पेट काट करके अपना खजाना भर रही है, इसमें 225 करोड़ रुपया बचाया, वृद्धा पेंशन में 86 करोड़ रुपया बचाया, ये काम कर रही है। नए और पुराने बीपीएल जो हम लोगों ने लागू किया था 2008 में, उसको समाप्त करके अभी कहती है कि 2007 अंग्रेजी बीपीएल को मानेंगे। कैसे मानोगे? सरकार ने तो पास किया है, सरकार ने खत्म नहीं किया है, यहाँ साजिश किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद राम को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। सभा को नईम खलीफा, कृष्णा विश्वकर्मा, समाज सेवी विजय केसरी, सीताराम समेत कई लोगों ने संबोधित किया। सभा को संचालन विनोद कुमार व अध्यक्षता धीरज जायसवाल ने की।